हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, एंड ये रहने वाले हैं आप सभी के 12th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और कैसे सेशंस आपको चाहिए उनके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। सो फर्स्ट न्यूज़ है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने 500 करोड़ की उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी उसका IPO हुआ है टू बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर July 12-14। सो 12 से 14 जुलाई तक के लिए जो IPO होने वाला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर ₹500 करोड़ उसकी IPO स्टार्ट हो गई है एंड सब्सक्रिप्शन ओपन है 12-14 जुलाई तक। ठीक है, सो याद रखना है आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO होने जा रहा है एंड कितने अमाउंट का होने जा रहा है, दैट इज ऑफ ₹500 करोड़। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जो है वो रीफाइल करने जा रहा है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस फॉर ₹629 करोड़ IPO। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो रीफाइल करने जा रहा है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जो कि होने वाला है ₹629 करोड़ का थ्रू IPO। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो रीफाइल करने जा रहा है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, देन नेक्स्ट डे फोन पे जो है वो लॉन्च करने जा रहा है वन स्टॉप पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट पार्टनर्स। सो मर्चेंट पार्टनर्स के लिए फोन पे लॉन्च करने जा रहा है वन स्टॉप पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन। सो याद रखना है आपको कौन लॉन्च करने जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस सॉल्यूशन, सो वो होने वाला है फोन पे की तरफ से। देन नेक्स्ट डे वी मुरलीधरन जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वो एड्रेस करने जा रहे हैं 6th इंडिया अरब कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, वी मुरलीधरन जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड वो एड्रेस करने जा रहे हैं 6th इंडिया अरब कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली में। ठीक है, देन नेक्स्ट है 50th GST काउंसिल मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में है एंड उसको प्रिसाइड ओवर करने वाले हैं FMs यानी कि फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। से याद रखना है आपको 50th GST काउंसिल जो है वो कहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, न्यू दिल्ली, जिसको प्रिसाइड करने जा रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री की जो कि हैं निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर बैंकर्स अवेयरनेस वर्कशॉप जो है वो लॉन्च की जानी है एट द SKICC इन श्रीनगर बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो याद रखना है आपको ये जो वर्कशॉप होने वाली है वो कहाँ पे लॉन्च हो रही है, SKICC इन श्रीनगर, और किन के द्वारा की जा रही है, बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है 5 एक्सपर्ट कमिटीज जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बाय टू एग्जामिन वेज टू एनहांस द सर्वे प्रोसेस। सो प्रोसेस को रीवैम करने के लिए 5 एक्सपर्ट कमेटी जो है वो स्टैब्लिश की जानी है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो याद रखना है आपको 5 एक्सपर्ट कमेटी लॉन्च की जानी है, स्टैब्लिश की जानी है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन टू एग्जामिन द वेज टू एनहांस द सर्वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है उड़ीसा टेलीविज़न जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लीज़ा। सो अब काफ़ी सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आ ही चुकी हैं, आप सभी देख रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हों या जो भी हैं चीज़ें। तो उसी के साथ साथ अब क्या है, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर भी लॉन्च कर दी गई है जिसका नाम होने वाला है लीज़ा एंड ये लॉन्च की गई है उड़ीसा टेलीविज़न की तरफ से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, और इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर जो है लीज़ा वो लॉन्च कर दी गई है ओडिशा टेलीविज़न की तरफ से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में डेफिनेटली, तो नाम आपको याद रखना है लीज़ा। देन नेक्स्ट है प्रोविजनल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा जो है ऑफ फिस्कल ईयर 2023-2024 उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट देखने को मिला है अप टू 9th of July 2023। ठीक है, देन नेक्स्ट है हार्ले डेविडसन बैंक ऑन हीरो मोटोकॉर्प पार्टनरशिप टू पुश प्रीमियम बाइक सेल्स इन इंडिया। ठीक है, तो हार्ले डेविडसन बैंक जो डेविडसन जो है वो बैंकिंग करने जा रहा है ऑन हीरो मोटोकॉर्प पार्टनरशिप, तो इन दोनों की पार्टनरशिप होने वाली है ताकि ये प्रीमियम बाइक सेल्स की जो बाइक की जो सेल है उसे और भी ज़्यादा एनहांस कर सके। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है अटल इनोवेशन मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं ATL इंडस्ट्री विजिट इन कोलैबोरेशन विद बेयर। सो बेयर के साथ में कोलैबोरेशन करके अटल इनोवेशन मिशन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं ATL इंडस्ट्री विजिट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है लातवियाज फॉरेन मिनिस्टर एडगर रिंकेविक्स जो है उन्होंने स्वागत किया है एज यूरोपियन यूनियन फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट। सो लातवियाज फॉरेन मिनिस्टर जो कि हैं एडगर रिंकेविक्स
वो जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नाम है इनके एडगर्स रिंकविक्स, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है राजीव कुमार पोरवाल जो है उन्होंने एज्यूम किया है चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ ग्रिड इंडिया। सो राजीव कुमार पोरवाल जो है उन्होंने चार्ज दिया है एज डायरेक्टर ऑफ ग्रिड इंडिया, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, ग्रिड इंडिया यानी कि ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन नेक्स्ट है बी नीरज प्रभाकर जो है वो बने हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ ICAR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। तो ये भी आपको याद रखना है कि बी नीरज प्रभाकर जो हैं वो बने हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ ICAR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। नाम याद रखिएगा, बी नीरज प्रभाकर। द नेक्स्ट है मिन्नू मणि जो हैं वो बने हैं केरला की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया। सो याद रखना है मिन्नू मणि जो हैं वो केरला की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी हैं जो कि इंडिया के लिए खेलने वाली हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है बास्केटबॉल स्टार एंड 2-टाइम ओलंपिक चैंपियन जिनका नाम है मैक्रे पेंसन, उनका भी रिसेंटली में निधन हो गया है। सो नाम याद रखना है आपको मैक्रे पेंसन, एंड आपसे अगर पूछा जाता है ये कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं, सो शी वॉज अ बास्केटबॉलर, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड मलाला डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन जुलाई 12th। सो मलाला कौन थी आप सभी जानते हैं, मलाला यूसुफजई जो है वॉज बॉर्न इन मिंगोरा पाकिस्तान। सो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करी हैं, अपने व्यूज़ रखे, एस्पेक्ट्स रखे, ठीक है। तो उसके लिए उनका जो मलाला डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मलाला डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ ऑब्जर्व ऑन 12th of July, ठीक है। एंड शी वॉज दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये है आप सभी के करंट अफेयर्स जो मैं डिस्कस कर लिए आपके 12th of July के, एंड आई होप आप लोगों के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।